सिर में चोट लग रही है, नाक मुंह और कान में खून निकले। अभी डेढ़ साल पहला शादी हुई ही और एक बच्चों भी है। लोग आसपास का लोग आ पहला तो डरता भी नहीं, यानी कि हाथ कौन लगाए भी कोई। शायद तक वाले पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, पतो लागनो चाहिए कि जी। टैक्सी के अंदर गालियो हो 28 है, वो सारो को सारो इलाको है जो खून उभर चुके हो सारो को सारो। आगे देखा 28 यहाँ पड़े हो, मोटरसाइकिल यहाँ पड़े हो, ठीक है। देखियो छाती चेक करियो, सांस बंद लगे। इस जगह को ऊपर ही एक सामने एक अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली चालक आयो और बाइक सवार ने रोंद गए है, सीधो चल गए। और अब देखो सर, जो हादसा हुआ उसकी वजह से ही हुआ है, तभी तो वो भागा है। और ये जो सड़क के ऊपर जो घटना है, चीख चीख के बयां कर लाग रही है, कट है के घटना है जो घटित हुई है। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। अभी रात को टाइम है लगभग 2:30 बजे को और अभी आप हाल फिलहाल मौजूद हैं हनुमानगढ़ टाउन के अंदर टिब्बी रोड के ऊपर। बता दूं ये टिब्बी रोड के ऊपर अब से कुछ देर पहले एक बड़ो दर्दनाक हादसा घटित हुई है। एक बाइक सवार नौजवान रोज की तरह आपका काम हो आपका घरा लोटा लाग रहे हो और इस जगह के ऊपर ही एक सामने एक अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली चालक आए और बाइक सवार ने रोंद गए है, सीधो चल गए। और अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली चालक है जो मौके पर रुकियो भी कोनी, बाइक सवार की सार संभाल भी कौन करी। और वो बाइक सवार आज ही दुनिया अंदर कौन रहे हो, तड़प तड़प के है बाइक सवार की है जो 28 दम तोड़ दियो, 28 भी की मौत होगी। और बाइक सवार की जो डेड बॉडी है हनुमानगढ़ टाउन के जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में बाइक सवार ने लेके जाया गया और बड़े ड्यूटी जनरल चिकित्सक ने मृत घोषित कर दियो। अब बाइक सवार की बॉडी है जो जिला अस्पताल की मोर्चरी कक्ष के अंदर पड़ी है और पुलिस है आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन सब बड़ो सवाल या निशान है और दर्दनाक हादसा वो घटित करके छोड़ गयो के ट्रैक्टर ट्रोलिया रो रोंद के चल गयो और बिना संभालियो भी कोनी। अगर बिना भी दौरान अगले मौके पर संभाल लियो गए हो तो शायद भी नौजवान की जान है वह बच जाती। और कॉलोनी का लोग खड़े है जो प्रत्येक दर्शी आप आऊं जाना। अच्छा जी थारो के ना रजत वर्मा जोरू बोलियो। अच्छा रजत जी चला थेमनिया बताओ के होए हो वो डेली की तरह आपका काम धंधा वो लूटन आ रहे हो, गरीब आदमी है यार। हाँ, वो ठीक है ठीक है। और घर भी कोई कमाने वालों है कोनी। हाँ, ठीक है। वो डेली की तरह काम धंधा वो लूटन ला रहे हो, ठीक है। अगर आप कोई ट्रैक्टर ट्राली आ रहे हो बन शाम लोग भी ने टक्कर मारी और वो रुके भी कोनी, हाथों हाथ रोंद के भी ने चले गयो, ठीक है। अड़ा का जिका लोग आस पास का लोग आ बे पहला तो डरता भी नहीं, यानी कि हाथ कौन लगाए भी कोई मुकदमे वगैरह कोई केस मार पर ना कुछ हो जाओ इस हो जाए, ठीक है। और बाद में किए अड़ा गई लोग भी ने डाल गए ई रिक्शा के अंदर और वो जिला अपने हॉस्पिटल में ले गए हनुमानगढ़ जिला हॉस्पिटल में, ठीक है। और बैठा जा गए कि अभी ने डॉक्टर मृत घोषित कर दियो, ठीक है। बिंग बाद में बिंगी अब डेड बॉडी है जी की बा अपने मोर्चरी में पड़ी है जी। उम्र कितनी है बाइक सवार की? उम्र यार आई कोई 25-26 साल के नेड़े। नौजवान नौजवान भाई साल डेढ़ साल पहले बिंगी शादी हुई है भाई, जवान साल डेढ़ साल पहले शादी। हाँ साल डेढ़ टबर है भाई, एक लड़की पता नहीं एक लड़को है शायद यार। तो देख पा रहे कि तो दर्दनाक हादसा घटित हुई है। एक अभी डेढ़ साल पहला शादी हुई ही और मृतक अभी का टबर एक तरीके अनाथ हो चुके हैं बच्चा। लेडी प्रेग्नेंट है भैया, अभी 9 महीने की लेडी भी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट और एक बच्चा 9 महीनों लाग रहे हो भाई। क्या नाम है? मेरा नाम करण वर्मा। करण वर्मा जी मतलब के कारण मानो थे हादसा को के कारण रहे? हादसा को कारण ट्राली वाले की कोई गलती रही होगी बिंग कारण। ट्रैक्टर ट्रॉली कितने सारी इधर से आ रही थी और इधर चली गई। अच्छा वो बाइक सवार इन वाला। हाँ। मैं बता दूं मौके की आ ही जगह है जड़ा हादसों घटित हो और अड़ा खून का छींटा वगैरह अभी भी लाग रहा है, अभी मैं थान दिखाऊंगा। अच्छा थे मैंने एक चीज़ आप बताओ स्पीड कितनी की माना ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही आई कोई 40-50 स्पीड 40 तो नॉर्मल हो गई। नॉर्मल हो गई नॉर्मल 50 मान के चलो 50-60 के करीब हो गई बाइक सवारी। तो ट्रॉली एकदम भिड़ा जाए देख सके अब देखो सर जो हादसा हुआ उसकी वजह से ही हुआ है, तभी तो वो भागा है। उस टाइम पर अगर वो उस मदद कर देता ना, उस टाइम रुक के हेल्प भी कर देता तो भी बच शायद वो बच जाता। थारी सब की के मांग है के चाहो थे क्यों यही मांग है भाई? वो गरीब परिवार को है सदस्य है जी को, ठीक है। कमाना एक ही हो बिना न्याय मिलनो चाहिए, ठीक है। एक बच्ची है भी, ठीक है। अभी भी वाइफ भी प्रेग्नेंट है, ठीक है। घर और कोई कमाना है कोनी, ठीक है। भी मांग गरगन है यानी कि हेल्प मिलनी चाहिए सरकार की तरफ, माने कोई न्याय मिलनो चाहिए, ठीक है। और सरकार की तरफ कोई मुआवजा मिलनो चाहिए माने। के नाम है? मेरा नाम मदन है। मदन जी थे केला को वांग पड़ोसी हो वांगो। अच्छा पड़ोसी हो। हाँ। सारा पड़ोसी के, तो सारा काम के करता है भैया, कोई बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करता और नाम क्या वांगो? बिगो नाम है विष्णु। विष्णु जो। हाँ अच्छा अच्छा मतलब दिहाड़ी मजदूरी। हाँ दिहाड़ी मजदूरी काम। इतनी रात ना बे खटुआ वाला काम पर आओ, गरीब आदमी खड़ो आओ, ठेकेदार हन पैसा लेने गयो, गरीब आदमी खड़ जाओ रात ना दिहाड़ी पर, वो बेचारो काम पर वाल ला रे नु ट्रैक्टर ट्राली आयो। थाने किया पता लागियो रजत का मतलब एक्सीडेंट होयो? तो पुलिस वाला आया बा बतायो के बतायो के मोहल्ले के अंदर पूछा भाई वो मोटरसाइकिल है भाई
गाड़ी में बैठ के मैं ही गया था उनके घर पे। मौके पर आगे आगे हाँ मौके पर ये कंडीशन ही मौके की फिर मैं चोट लगी है नाक मुंह और कान में खून निकले खून बहुत बह चुके हो ठीक है जब और आपने अभी टाइम एक्सीडेंट हो के अपने हॉस्पिटल के पीछे गए ठीक है और पीछे हादसा हुआ है अरे मैं के अब नाम के लिए मारो मोहल्ला को ठीक है तो वो हटे ही हो मैं भी हटे ही हो अभी टाइम मैं कोई काम जाऊँ ला रही है हॉस्पिटल में देखो जाकर मैं यानी कि शिनाख्त करी बॉडी की और बताई सारा कुछ भी वो मारा ही यानी कि मोहल्ला को है ठीक है और वो डॉक्टर मैंने कहा भी वो तो यानी कि डेड हो चुके हैं मरता है एकदम ठीक है और इनके घरगाने इन्फॉर्म कर दो ठीक है और मैं मेरा भाई ने फोन करियो मेरा भाई है ठीक है चाचा को छोरो मैंने फोन करियो वो यानी कि पुलिस वाला सगा बंग घर तक ही गयो ठीक है हालांकि अभी घरगाने कोई पता को नहीं ठीक है नहीं बताया अभी ठीक है। अच्छा थारो के नाम है सर? मेरा नाम सोनू। सोनू जी विष्णु जानता आगे थे? हाँ जी जानो। के लागे थारा? पड़ोसी है मारो जी। पड़ोसी के मतलब किया हो एक्सीडेंट पता थाने कुछ? एक्सीडेंट जी मैंने को नहीं पता फिलहाल मैं अभी आयो हो और वो अमेरिकन काम करतो एक बात बताना चाहूंगा मैं हमारा जितना भी दर्शक है मैं तमाम लोगों से दर्शकों से तमाम लोगों से निवेदन करूंगा क्योंकि साधन है हादसों कोई का भी हाथ हूँ उसके अगर कोई का भी हाथ हूँ हादसों हो जाए तो जी के सागे घटना घटित हुई है बिना प्लीज कदे भी ई तरीके छोड़ के भाग्यो ना बिल्कुल भी क्योंकि कोई सदस्य को परिवार है कोई बंदा को परिवार भी को घर इंतजार कर लग रहे और आज विष्णु को परिवार है अब जिंदगी भर विष्णु को इंतजार करेगो और विष्णु एक ऐसा लोक के अंदर जा चुके हैं जड़ों वापस लौट के आनो है जो असंभव है एक तरीका हूँ। यहाँ बताओ अंकल नाम क्या था? इकबाल सिंह। इकबाल सिंह जी एक्सीडेंट हो कहना चाहोगा? एक्सीडेंट होया गलत होया बहुत गलत होया। ये लोग जो एक्सीडेंट करके भाग जाए मौके पर बन के कहना चाहोगा? बन यही कहना चाहोगा गलत है भागना नहीं चाहिए मौके पर संभालो हॉस्पिटल ले जाओ दवाई पानी दिलाओ हो सकता है जान बच जाए शायद जान बच जाए ना इंसानियत आई है बिल्कुल साधन चलाए करोगे थे अभी? हाँ मोटरसाइकिल चलावा मोटरसाइकिल वगैरह चलाऊंगा बिल्कुल दो टायर और बैलेंस बिगड़ता है कितना टाइम लगे कोई एक सेकंड भी नहीं लगता जिम्मेदार है चीज को ट्रैक्टर ट्राली लाई विष्णु जानता थे मतलब मित्र हो गए हाँ जी मित्र जी के चाहो थे मतलब के मतलब होना चाहिए था ना परिवार ने किया मतलब सुकून मिला के इंसान मुआवजा मिल जाए उन्होंने गरीब लोग है जी शायद तक वाले ने पोस्टमार्टम करवाना चाहिए वाले पता लगना चाहिए के चीज में मृत्यु हुई है। मेरा नाम जी विक्की है। एक्सीडेंट के बारे में बहुत गलती हुई है जी इन ट्रैक्टर लिया गलती है वो गरीब आदमी आने लग रहे हो इन तो समूह आगे बढ़ ठोक दियो ठोक गिर वो किए कि चल गयो बिना रुकना चाहिए वो आज मतलब अगर वो अगर अगर रुक गए वो बिना भर्ती करा देते तो आज भी जान बच जानती। सरकार की तरफ एक बात बताना चाहूंगा मैं राज्य सरकार की तरफ ऐसा प्रावधान है आप बैंक के अंदर खाता वगैरह खुलवाओ तो भी दौरान अपनो है जो बीमो करी जावे भी दौरान अपना बीमा भी करी जावे पहले तो बात आप करा इसी है जो घटना कोई दुश्मन के साथ भी घटित ना हो अगर इस तरीके कोई ऐसा घटना घटित जाए तो बैंक के अंदर जो अपना 100-200 रुपया बीमा बैठो अपना ने क्लेम मिल सके जान आ रो सदस्य आज जिंदगी दुनिया छोड़ के जा चुके हैं लेकिन लारा जो रोन आ रहा है बांगी है थोड़ी है जो सहायता हो जाएगी बाज गया जरूर बाज गया है कि थे हां बाज गया यार हां आगे देखा अठे इया पड़े हो मोरसन इया पड़े हो ठीक है देखो छाती अगला चेक करियो सांस बंद लगे को नहीं मुक्का सांस को नहीं होगा खून आन ला रहे हो लारे भी सिरान वो गाड़ी में के भी में बहुत खून हो अरे भाई साहब है जो प्रत्यक्ष दर्शी हरियाणा में आड़ा कुछ दूरी के ऊपर खड़े हा और जे एक्सीडेंट होयो बहुत जबरदस्त जो धड़ाको जो धमाको आप बोलिया करा हा वो धमाको होयो हो तो सड़क है पूरी की पूरी सड़क चीख चीख के बयां कर लाग रही है और सड़क चारों तरफ खूनम खून भर रही है चारों तरफ आगे तक खून अट्ठे भी खून इलाहाबाद से भी खून इन्ने भी खून इन्ने भी खून यानी कि चारों तरफ ही सड़क के ऊपर चौतरफा खून ही खून है जिम्मेदार इस चीज़ को कौन है जो अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली चालक है वो ट्रैक्टर ट्रॉली आवा लाग रही है इन्ने से वो जो मैं इलाकों बताना चाहूँगा थाने टिब्बी रोड को इलाको है एस आर एम स्कूल साइड जो जवा है वो इलाको है और इन्ने से जो रास्ता जावा लाग रही है वो टाउन की आप बात करें जंक्शन रोड जो टाउन की तरफ जावा इन्ने की साइड हॉस्पिटल गया और इनने से बाइक सवार आवा लाग रही हो विष्णु इनने से ट्रैक्टर ट्रोली आवा लाग रही और अट्ठे ही आ ही बात जगह है जो अचानक बाइक को ट्रैक्टर ट्रोली चलाई विष्णु को घर है इलाहाबाद है तो शायद विष्णु इनने मोड़न खातर करी है बाइक और ट्रैक्टर ट्रोली आरो साइड आ ही ट्रैक्टर ट्रोली आ रही तो विष्णु इनने से मुड़े और ट्रैक्टर ट्रोली सीधी विष्णु के अंदर लागी तो जूता वगैरह अठा पड़े जी देख पा ला रहे हो एरिया घायल का जूता और ये विष्णु का जूता है जो मृतक है
और अठा आयो हो और जूता अठा ही पड़े है कुछ देर। तो हनुमानगढ़ टाउन में टिब्बी रोड के ऊपर देर रात ने इतो दर्दनाक हादसों घटित हो जड़े एक बाइक सवार रोज की तरह काम खत्म करके आपके घर जा वाला रहे हो अग्ञात ट्रैक्टर ट्रोली चालक बाइक सवार ने रोंद के चल गयो। बाइक सवार आज अपने बीच के अंदर कौन रही और घटना स्थल के ऊपर पहुंचा लो मौका की वस्तु स्थिति देखी जो प्रत्यक्षदर्शी है बंग सागे बातचीत करी और तमाम जो परिजन और आंगा मित्र है जो मृतक का वे है जो सरकार से मुआवजे की मांग करी और अज्ञात पुलिस से है जो अज्ञात ट्रैक्टर ट्रोली चालक ने पकड़ने की मांग करी और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग बाकी है। तो वीडियो थान किसी लगी वीडियो के प्रति तरीके राय के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मन जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो पास में बेल आइकन का बटन दबा दे वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तर गांव में या आसपास में किसी तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है इस नंबर पर हमारा फोन करो संपर्क करो मैं थारा गांव में पहुंचूंगा थारी समस्या उठाऊंगा थारी आवाज उठाऊंगा। आज की वीडियो के प्रति थारी के राय है विचार थारा कमेंट में जरूर मेंशन करो और इस हादसे को जिम्मेदार कौन है बे विचार कमेंट में मेंशन करो। अंत मन दे इजाजत जय हिंद जय राजस्थान जय हनुमानगढ़।